नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फाल्गुनोत्सव को लेकर श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा। खाटू श्याम के जय घोष से गूंजता रहा शहर। पुलिस पिटाई के विरोध में टोटो चालकों ने किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तीन दिनों तक चलने वाले राज्य स्तरीय ऑर्थोपेडिक्स कॉन्फ्रेंस का हुआ शुभारंभ। इलाज की नई तकनीक पर हुई चर्चा। और मित्र वसंत गोष्ठी की सारी तैयारी हुई पूरी। शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए कवि करेंगे काव्य पाठ। अब खबरें विस्तार से। फाल्गुनोत्सव को लेकर श्री श्याम भक्त मंडल की ओर से फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर शुक्रवार को श्याम भक्तों द्वारा गौशाला प्रांगण से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में निशान लिए भारी संख्या में पुरुष, महिला और युवक युवतियों ने नगर भ्रमण किया और श्याम के रंग में रंगे भक्त खाटू श्याम का नारा लगाते हुए भक्ति धुनों पर झूमते दिखे। वहीं अबीर गुलाल लगाकर सभी ने एक दूसरे को फाल्गुनोत्सव की बधाई दी और जमकर संगीत पर थिरकते हुए मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां खाटू श्याम के जयकारे के बीच भक्तों ने बारी बारी से अपना निशान खाटू के दरबार में चढ़ाकर नमन किया। वह इसके अलावा नवगछिया और गोटा से भी श्रद्धालुओं का जत्था निशान लेकर मंदरोजा स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचा और भक्ति एवं उत्साह के माहौल में सभी ने बाबा को सिर नवाकर अपना निशान समर्पित किया। इसके अलावा रात्रि के समय श्री श्याम प्रभु की ज्योत चलाकर संकीर्तन का शुभारंभ हुआ, जो शनिवार की रात्रि तक जारी रहेगा। इसको लेकर अध्यक्ष रोहित झुंझुनवाला ने बताया कि गौशाला से निकाली गई निशान शोभा यात्रा में करीब 1500 श्याम भक्त निशान लेकर शामिल हुए, जबकि नवगछिया और गोटा से भी करीब 300 भक्तों द्वारा निशान चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में अखंड ज्योत और संकीर्तन के साथ महिलाओं द्वारा बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा, जबकि सवामनी भंडारा के साथ स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। निकाली जिसके अंदर में 1500 भक्तों ने निशान उठाया और पूरे शहर का बड़े उल्लास के साथ नाच गाने के साथ वर्णन किया। करने के बाद वो सब मंदिर आए और लाइनबद्ध कतारबद्ध होकर एक एक आदमी बहुत श्रद्धापूर्वक बाबा को अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु निशान चढ़ाया। कहाँ कहाँ से निशान चढ़ाने के लिए आ रहे हैं? निशान चढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ? ये जो अभी चढ़ाए ये तो भागलपुर के ही लोग थे और अभी निशान चढ़ाने के लिए नवगछिया से 150 से 200 निशान आए और गोड्डा से भी करीब करीब 150 निशान आ रहे हैं। ये सब अभी आधे घंटे में आ जाएंगे और इनका भी निशान और क्या कार्यक्रम है। और आज रात्र से हम लोगों का 8 बजे रात्रि से आज रात में 8 बजे से हमारा ज्योत का कार्यक्रम होगा, जो कि 24 घंटे का होगा। अखंड ज्योत का कार्यक्रम है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के समीप थानाध्यक्ष की गाड़ी फंस गई, जिस पर जाम में फंसे अधिकारी और सिपाही को गुस्सा आ गया। वहीं गुस्से में आग बबूला हुए सिपाही गाड़ी से उतरे और एक टोटो ड्राइवर की पिटाई कर घायल कर दिया, जिसमें टोटो चालक का हाथ टूट गया। वहीं इसके बाद ई रिक्शा एसोसिएशन की ओर से शहर के सभी टोटो ड्राइवर आक्रोशित हो गए और मेडिकल कॉलेज नौलखा कोठी के समीप एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर विरोध प्रदर्शन में टोटो चालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला और पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से ई रिक्शा चालक को पैसेंजर को चढ़ाने और उतारने के लिए जगह देने की मांग की। साथ ही वरीय पदाधिकारियों से पुलिसिया वर्वरता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई। वहीं इसको लेकर शुक्रवार को दिन के समय काफी कम संख्या में ई रिक्शा का परिचालन देखा गया। पूरा आज रिक्शा चालक भागलपुर का हड़ताल पर है। हमारी मांग है कि ड्राइवर को मारा न जाए और समस्या ये है कि हर जगह पिकअप पॉइंट नहीं है। बार बार नगर निगम को आवेदन दिया जा रहा है, इसके वजह से लोगों को हर जगह आना पड़ा और मारा भी जा रहा है। ड्राइवर को कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी गला काट दिया जाता है। अपराधियों के निशाने में आज हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ई रिक्शा परिचालन सड़कों पर नहीं होगा। जो लोग कर रहे हैं उससे मना किया जा रहा है। यातायात प्रभारी ने कहा कि आप लोग हड़ताल को बंद कर दीजिए।
कैसे कर देंगे, हमारे ड्राइवर को मारा जा रहा है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रांगण में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शुक्रवार को वर्कशॉप के साथ हो गई। भागलपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित अधिवेशन की शुरुआत कोलकाता से पहुंचे प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बी.डी. चटर्जी ने अपने संबोधन से की, जबकि सेमिनार के दूसरे सत्र में मिनिमली इन्वेसिव रिडक्शन एंड ऑस्टियोसिंथेसिस सिस्टम मिरोस पर टेक्निकल वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसे डॉक्टर एल प्रकाश समेत अलग अलग राज्यों से आए हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने संबोधित किया। इस दौरान भागलपुर समेत बिहार के विभिन्न जिलों से ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे हड्डी और नस विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इधर टीएचआर वर्कशॉप में डॉक्टर डीपी भूषण, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर निशिकांत, डॉक्टर रत्नेश समेत कई जगहों से आए हड्डी रोग विशेषज्ञ ने अलग अलग विषय पर अपनी बात रखी। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल प्रकाश, डॉक्टर सुशील चौधरी और डॉक्टर जेएस प्रसाद ने हड्डी रोग, उससे बचाव, इलाज की नई तकनीक एवं विधि के साथ कई जरूरी जानकारी और अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम को लेकर आयोजन सचिव डॉक्टर अमिताभ सिंह ने कहा कि 5 वर्षों के बाद भागलपुर में बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का स्टेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं, जबकि हमेशा शोध के माध्यम से सामने आने वाली इलाज की नई नई तकनीक पर चर्चा कर चिकित्सक अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में सभी को एक दूसरे से सीखने को मिलता है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। वहीं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 49वें एनुअल कॉन्फ्रेंस के कल्चरल प्रोग्राम का औपचारिक उद्घाटन शनिवार को होगा, जिसका शुभारंभ भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, मुख्य अतिथि इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर नवीन ठक्कर, विशिष्ट अतिथि ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन पद्मश्री डॉक्टर बी.के.एस. संजय और भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह संयुक्त रूप से करेंगे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 49 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है और ये इसका आयोजन इस बार भागलपुर को मिला है 5 साल के बाद। आज जो है हमारा वर्कशॉप का डे है, ये और कॉन्फ्रेंस 3 से 5 तक चलेगा। फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस जो हमारा हो रहा है इस बार THR है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट और मिरोज पर है, नई तकनीक है हड्डी जोड़ने की। सेकेंड डे कल हमारा जो है साइंटिफिक सेशन चलेगा और तीसरा दिन भी हमारा जो 5 तारीख है उस दिन भी हमारा साइंटिफिक सेशन ही चलेगा। और ये तीनों दिन में जो हमारे बाहर से जो लोग आए हुए हैं, फैकल्टीज आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में शनिवार की रात को आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र वसंत गोष्ठी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां देश के नामी गिरामी कवि के द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के लाल किला के बाद भागलपुर का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ही लंबे समय से जारी है, जहाँ इस मंच को देश के बड़े बड़े कवि और कवियत्रियों ने सुशोभित किया है। इस वर्ष जानी बैरागी, पदम अलवेला, मनिका दुबे, चंदन राय, राघेश भारती, आशीष अनल समेत अलग अलग धारा के कई कवि अपने काव्य पाठ से लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं इसको लेकर स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर द्वारा मित्र वसंत गोष्ठी की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसमें भारी संख्या में लोग शामिल होकर काव्य पाठ का आनंद लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर और अंग की धरती साहित्य, कला, संगीत और संस्कृति के लिए जानी जाती है और यहाँ के लोग भी इसकी अच्छी समझ रखते हैं, जिसके कारण पिछले 60 वर्षों से होली के अवसर पर मित्र वसंत गोष्ठी निरंतर जारी है। आप देख रहे हैं कि पंडाल सज धर कर तैयार है और अंतिम मंच पर हमारा जो बोर्ड है वो भी लग रहा है। कल 9 बजे रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा कवि सम्मेलन और देश के 8 मूर्धन्य कवि यहाँ पधार रहे हैं। इसमें हास्य कवि धार से जानी बैरागी आ रहे हैं, राधेश्याम भारती जो है वो प्रयागराज से आ रहे हैं, इसके अलावा वीर दस के होश के जो है देश के जाने माने कवि डॉक्टर आशीष दल आ रहे हैं। श्रृंगार रस में इस बार हमने 3 गीतकार को बुलाया है, पहली बार रायपुर से रमेश कुशवाहा आ रहे हैं, जबलपुर से डॉक्टर मनिका दुबे आ रही हैं कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा मंच कोई नहीं है। एक लाल किले में होता था, अब लाल किला का मंच भी सिमट सा गया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच है ये, जो 60 वर्षों से लगातार एक आयोजन हो रहा है और देश के सभी कविवर यहाँ आए हैं और यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि ये भागलपुर की जो भूमि है साहित्य और संस्कृति प्रेमियों की भूमि है। यहाँ के लोग, यहाँ के श्रोता साहित्य को समझते हैं। टीईटी
और एसटीईटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ भागलपुर की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम आवेदन दिया गया, जिसमें संघ के द्वारा एनआईओएस से पास आउट प्रशिक्षित शिक्षकों को भी शिक्षक की मान्यता देने की मांग की गई। इस दौरान 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नवनियुक्त शिक्षक मानने की अपील की गई। वहीं शिक्षकों का कहना है कि एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पूर्ण रूप से मान्यता देते हुए नियमानुसार नियुक्त किया जाए, जिससे उन लोगों के साथ विद्यालय में शिक्षकों की कमी की समस्या भी दूर हो सके। साथ ही कहा कि इसी तिथि से उन सभी को ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। इसके अलावा छठे चरण में बहाल बेसिक ग्रेड के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए, जबकि और कई तरह की मांग भी शिक्षकों ने आवेदन के माध्यम से की है। साथ ही कहा कि अगर अविलंब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ आंदोलन को बाध्य होंगे। एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षक जिनका प्रशिक्षण तिथि 31/3/2019 है, उनके साथ सरकार भेदभाव करते हुए मतलब दोहरे मापदंड को इख्तियार कर रही है और कह रही है कि उनको हम प्रशिक्षित 31/3 से नहीं मानेंगे। ठीक, कुछ लोग शिक्षक जो अप्रशिक्षित रह गए थे वो के कोर्ट में केस किए और केस करने के बाद वो लोग उन लोगों के सरकार ने कहा कि भाई आपको हम नवनियुक्त मानेंगे और उनके लिए फैसला था। और ये सरकार क्या कर रही है, 70,000 जो बाकी शिक्षक हैं उनको भी उस लपेटे में लेकर के अपना पैसा बचाने के लिए करे कि नहीं हम इनको भी नवनियुक्त करेंगे, इनको भी कम पैसे वेतन देंगे। मैंने जो शिक्षक प्रशिक्षित पहले से हैं उनको प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, उनको कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षित नहीं मानेंगे हम, और उनका 7,000 रुपया। क्या कारण क्या है उनको? कारण उनका है मनमानी सरकार की। पहले उन डायरेक्टर का चिट्ठी था कि 31/3/2019 तक सबको प्रशिक्षित माना जाता है। ठीक, भारत सरकार ने सबको प्रशिक्षित करवाया, 1.5 साल का कोर्स था एनआईएस से डीएलएड का। प्रशिक्षित कराने के बाद कहा कि भाई इस डेट से आप सभी प्रशिक्षित हो गए हैं, आप प्रशिक्षित शिक्षक अब शिक्षा व्यवस्था में नहीं रहेंगे। इस सरकार की कमी थी कि रिजल्ट नहीं समय पर दे पाए, या दे भी दिया तो मुद्रण तिथि बहुत बाद में किया, प्रिंटिंग डेट बाद में। आप इस विभाग कहना नहीं हम मुद्रण तिथि को लेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रेखा सिन्हा का सम्मान पूर्वक विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन एवं कूल गीत की प्रस्तुति देकर की गई, जबकि विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र एवं बूके देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं TMU अर्थशास्त्र विभाग के HOD डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा भी डॉक्टर रेखा सिन्हा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा ने कहा कि प्रोफेसर रेखा सिन्हा ने 4 दशक से भी ज्यादा का कार्यकाल शिक्षण क्षेत्र में बिताया और इस दौरान उन्होंने वर्ष 1979 में SSB कॉलेज कहलगांव, 1983 में सुंदरवती महिला कॉलेज और बाद में रीडर एवं साइकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष बने। मौके पर डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, डॉक्टर विवेकानंद सर, डॉक्टर सपना, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे समेत के शिक्षक और विभाग के छात्र छात्रा मौजूद रहे। भागलपुर सबौर प्रखंड के उच्च विद्यालय सभागार में प्रखंड स्तरीय TLM मेला का आयोजन हुआ। मेले में शिक्षकों को हस्तकला एवं शिक्षण अधिगम सामग्रियों के माध्यम से पठन पाठन कराने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने द्वारा तैयार किए गए शिक्षण अधिगम सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं मेला में हस्तकला, चित्रकला, सरल, सुरुचिपूर्ण एवं शिक्षक सामग्रियों की मदद से पठन पाठन के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए प्रदर्शनी लगाई, जिससे बच्चे भी नई तकनीक की मदद से कुछ बेहतर प्रयास कर अपनी प्रतिभा को सामने ला सके। मौके पर BEO मोहम्मद शमी अहमद, टाइट भवन की व्याख्याता सितेश्वर कुमार और हेमलता शाह, लेखापाल इशाद, शिक्षक मिहिर वत्स सहित काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। भागलपुर पिपैती प्रखंड मुख्यालय में BDO चंदन कुमार चक्रवर्ती ने परसन्ना पंचायत के 21 भूमिहीन परिवारों के बीच वास्तविक पर्चा वितरण किया। बताया जा रहा है कि 4 लेन निर्माण के दौरान गरीबों की जमीन चली गई थी, जिससे यहां रहने वाले लोग बेघर हो गए थे। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी बेघर परिवार के बीच पर्चा वितरण किया गया, जिससे वे सभी पुनः अपना घर बनाकर जीवन यापन कर सके। BDO ने कहा कि जल्द ही इन लोगों के लिए पक्का मकान बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि निरंजन यादव, सरपंच किशोर चौधरी, मधुसूदन यादव, औरंचल आमीन शहनबाद समेत ग्रामीण मौजूद रहे। अभी हमारे जाएंगे, जो हमारे अमीन हैं जी, इधर हमारे अमीन हैं जी, अभी तुरंत जाकर के इनके समक्ष सीमांकन होगा, चिन्हित किया जाएगा कि कौन किसका जमीन है जी। और वहाँ के मुखिया जी हैं, वहाँ के सरपंच साहब हैं, वहाँ इनके मौजूदगी में ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि इनको हम दे दिए और फिर इनको दाखिल भी मैंने कब दखल भी हम दिलाएंगे।
पीरपैंती प्रखंड के बाराहाट में 15वां श्री श्याम महोत्सव को लेकर भव्य निशान शोभा यात्रा से झांकी निकाली गई। इस दौरान डीजे और घुड़सवार दल के साथ श्याम भक्तों ने हिस्सा लेकर खाटू श्याम का जयकारा लगाया। वहीं इसको लेकर परमानंद केजरीवाल ने बताया कि श्री श्याम महोत्सव प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं द्वादशी के दिन मनाई जाती है और इस महोत्सव में श्याम जी की विधिवत रूप से पूजन कर पैदल शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा केजरीवाल भवन से बिहार झारखंड सीमा फिरोजपुर और ऋषिपुर काली स्थान होते हुए पुनः केजरीवाल भवन में आकर संपन्न हुआ, जहां भक्तों ने निशान को स्थापित किया। वहीं इसके बाद संध्या के समय भजन कीर्तन एवं झांकी का कार्यक्रम हुआ, जबकि 4 मार्च को प्रसाद एवं भंडारा के साथ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। मौके पर परमानंद केजरीवाल, पंचायत समिति मंटू रजक, अमरजीत भारती मौजूद थे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत इंग्लिश चिचरौन पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण रोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत साफ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पंचायत की मुखिया खुशबू रानी, जिला सलाहकार रोहित राज, प्रखंड समन्वयक अमृता सिन्हा, पंचायत सचिव नंदकिशोर यादव सहित सभी वार्ड सदस्यों ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। वहीं इसको लेकर मुखिया प्रतिनिधि ओम दत्त ने बताया कि स्वच्छ पंचायत को लेकर सरकार की योजनाओं के तहत पंचायत के सभी वार्ड में गीला कचरा एवं सूखा कचरा के लिए डस्टबिन वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इससे उनका पंचायत स्वच्छ एवं सुंदर होगा, जबकि सभी पंचायत वासियों से भी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। मौके पर भाजपा नेता कन्हैया झा, जदयू नेता अरविंद कुमार, वार्ड सदस्य नीलम देवी, अमृता देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हमारे यहाँ बिहार स्वच्छता अभियान का शुरुआत हुआ, जिसमें कि ग्राम पंचायत इंग्लिश चिचरौन में जो है 12 वार्ड है, 12 पैदल रिक्शा, 1 ई रिक्शा और डस्टबिन के लिए जो है डब्बा उब्बा का वितरण यहाँ किया गया है। और हम लोग अपने पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोड़कर पंचायत में जो है शहरी व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार से प्रयास किए और प्रयास भी सफल रहा। आज हमारा पंचायत जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जुटा हुआ है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फाल्गुनोत्सव को लेकर श्याम भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा, खाटू श्याम के जय घोष से गूंजता रहा शहर। पुलिस पिटाई के विरोध में टोटो चालकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तीन दिनों तक चलने वाले राज्य स्तरीय ऑर्थोपेडिक्स कॉन्फ्रेंस का हुआ शुभारंभ, इलाज की नई तकनीक पर हुई चर्चा। और मित्र वसंत गोष्ठी की सारी तैयारी हुई पूरी, शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से आए कवि करेंगे काव्य पाठ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।